A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betrays his trust? एक यंग लड़का है जो कि अनिल का दोस्त बन जाता है. अनिल स्टोरी का मेन कैरेक्टर है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. अनिल उसको पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट करता है, उस पर विश्वास करता है एंड एम्प्लॉयज हिम और उसे काम पर रख लेता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना. क्या वो उसके ट्रस्ट को, विश्वास को धोखा देता है, तोड़ता है, क्या वो उसके विश्वास को तोड़ देता है, ये हम स्टोरी में आगे पढ़ेंगे. रीड एंड फाइंड आउट फैक्ट्स. हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी. इस स्टोरी में जो आई है वो कौन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज़ He a fairly successful hand at. जो he है वो किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा successful रहता है. And what does he get from Anil in return for his work? और अनिल से बदले में उसे क्या मिलता है. अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. I was still a thief when I met Anil. इस स्टोरी में जो आई है वो थीफ है, वो एक चोर है. वो कहता है, एंड आई दो ओनली 15, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. सिर्फ मैं 15 साल का था लेकिन बड़ा ही एक्सपीरियंस था और बहुत ही सक्सेसफुल था मैं अपने काम में. आई हैड एक्सपीरियंस्ड अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड. जबकि मैं 15 साल का था लेकिन जो भी मेरा काम था उसमें मैं बहुत ज़्यादा क्या था, एक्सपर्ट था. मेरे पास नॉलेज थी, स्किल थी, अच्छी, जो मैं भी चाहता था उसे मैंने अचीव कर रखा था. Anil was watching a wrestling match when I approached him. Anil wrestling match देख रहा था जब मैं उसके पास गया. He was about 25. वो 25 साल का tall, लंबा, lean fellow था, एक पतला सा आदमी था. And he looked easy going. कैसा लग रहा था? Easy going, बहुत ही देखने में simple, जो सरल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो easily दूसरे पर trust भी कर लेते हैं, वैसा वो लग रहा था. Kind means दयालु and simple enough for my purpose. और जो मेरा purpose था उस हिसाब से बहुत ज़्यादा वो simple था. मेरा purpose क्या था? उसे cheat करने का, उसे लूटने का. I had not had much luck of late. बहुत समय से मेरे हाथ कुछ लगा नहीं था, जो मेरा भाग्य था उसने मेरा साथ नहीं दिया था. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और मैंने सोचा कि मैं इस इंसान का जो कॉन्फिडेंस है उसे पा सकूंगा, उसको मैं हासिल कर पाऊंगा. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ. जबकि वो बहुत पतला सा था, देखने में लीन था, लेकिन फिर भी मैंने उसे क्या बोला कि तुम तो रेसलर लगते हो, देखने में पहलवान लगते हो. रेसलर मीन्स पहलवान. आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. मुझे पता था कि थोड़ी सी फ्लैटरी का मतलब होता है मक्खन लगाना, किसी की खुशामद करना, उसे दोस्त बन जाते हैं. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थिन. तो अनिल ने मुझे रिस्पॉन्ड जवाब दिया, तुम भी लगते हो. सो डू यू, विच पुट मी ऑफ. थोड़ा सा उस समय क्या हो गया, पुट मी ऑफ का मतलब होता है थोड़ा सा मैं उससे नाराज हो गया इस बात से, क्योंकि मैं तो उस समय बहुत क्या लगता था, बहुत ज़्यादा पतला दुबला सा था, तो इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गया. वेल आई सेड मोडेस्टली, मैंने बड़ी ही विनम्रता से बड़ी पोलाइटली बोला, आई डू रेसल अ बिट. मैं भी थोड़ी सी रेसलिंग करता हूँ. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है. हरी सिंह. आई लाइड. मैंने उसको अपना नाम झूठा क्या बता दिया, हरी सिंह. मैं डिफरेंट डिफरेंट नेम्स चेंज करता रहता था पुलिस को धोखा देने के लिए, ड्यूप करने के लिए. आई टुक अ न्यू नेम्स एवरी मंथ. हर महीने मेरा एक नया नाम होता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. जिससे कि मैं पुलिस और अपने जो पहले एम्प्लॉयर्स थे उनसे मैं बचता रहता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. फिर हम रेसलिंग की बात करने लग गए. वेल ऑयल्ड मीन्स रेसलर्स के पूरे उनके बॉडी पर उन्होंने तेल लगा रखा होता था. ग्रंटिंग होता है जो मुँह से साउंड निकालने के लिए जो वर्ड होता है, वो मुँह से आवाज़ें निकाल रहे थे लड़ते समय. और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिफ्टिंग, उठा रहे थे एक दूसरे को, फेंक रहे थे एक दूसरे को इधर उधर. आई डोंट नॉट हैव मच टू से. मेरे को ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं था. अनिल वॉकड अवे. अनिल वहाँ से चला गया. आई फॉलोड कैजुअली और मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लग गया. हेलो अगेन, ही सेड. उसने कहा मुझे हेलो अगेन. आई गेव यू माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. मैंने उसे मुस्कुराते हुए अपीलिंग उसको अपनी स्माइल दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड. मैंने उसे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू. लेकिन उसने मुझे क्या जवाब दिया कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. इसमें मैं एक मिनट तक ये सोचता रहा मैं. परहैप्स आई हैड मिसजज मैन मैन. शायद मैंने गलत आदमी को अपना शिकार बना रहा था. मैंने उसको मिसजज कर लिया था. मैंने उसका सही आंकलन नहीं किया था. आई आस्क, कैन यू फीड मी. क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो. उसने मुझसे पूछा, कैन यू कुक. क्या तुम खाना पका सकते हो. मैंने बोल दिया, आई कैन कुक. मैंने फिर झूठ बोला. आई लाइड अगेन, क्योंकि मैं खाना बनाना नहीं जानता था. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें फीड भी कर सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. उसका घर जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था और मुझे ले गया अपने घर. उसने मुझे कहा मैं बालकनी में सो सकता हूँ. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल. लेकिन जो रात जो मैंने खाना बनाया वो इतना बुरा था, इतना टेरिबल था, बिकॉज अनिल गेव इट वॉज स्ट्रे डॉग. क्योंकि अनिल ने उसे खाने को नहीं खाया और उसे स्ट्रे डॉग को, गली में जो डॉग घूमते रहते हैं, उसको दे दिया. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. और मुझे क्या बोला, मुझे जाने के लिए उसने
उसने मुझे जाने के लिए वहाँ से बोला, बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं रहा स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मुस्कुराता रहा, एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और जो अनिल था वो कुछ नहीं कर पाया, वो हंस पड़ा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर पर थपथपाया मुझे और कहा कोई बात नहीं, नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और बताया जल्दी ही वो मुझे पूरे पूरे सेंटेंसेज वाक्य लिखना सिखाएगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल, मैं बहुत ज़्यादा उसका आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, दे वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, मैं इसमें जानता था कि अगर एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो मेरे अचीवमेंट की कोई लिमिट नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बट आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था, देन वुड मेक माई वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, वे घर का जो सामान था वो खरीदता था, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और रोज़ मैं एक ना एक रुपया उसमें से बचा लेता था सामान में से। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मैं जानता हूँ कि वो शायद अनिल को पता था कि मैं इस तरह से पैसे बचाता हूँ, लेकिन कभी उसने माइंड नहीं करा, कभी उसने इस चीज़ पर एतराज़ नहीं जताया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जो अनिल था वो एक राइटर था और उसको रोज़ तो उसकी इनकम नहीं होती थी, फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी कभार उसकी इनकम हो जाती थी, कभी उसकी इनकम नहीं होती थी। ही वुड बोरो वन वीक लेंड द नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते वो उधार ले लेता था, दूसरे हफ्ते वो क्या करता था उधार दे देता था, इस तरह से उसका गुजारा चल रहा था। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, अगला चेक कब आएगा इसकी उसको चिंता रहती थी, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे उसका चेक आता था वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग थिंग, मेरे लिए बड़ा ही क्वीर का मतलब होता है, बहुत ही स्ट्रेंज लगता था, बहुत ही अजीब तरीका लगता था मुझे पैसे कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक रात को एक शाम को वो कुछ एक नोटों की गड्डी के साथ घर आया और उसने कहा ही जस्ट सोल्ड अ बुक टू द पब्लिक, उसने एक पब्लिशर को अपनी किताब बेच दी है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को मैंने देखा कि उसने जो पैसे थे वो अपने गद्दे के नीचे जहाँ वो सोता है उसने रख दिए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, सिर्फ मैं शॉपिंग में जो एक रुपया बचा लेता था उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो कि मेरी लाइन ऑफ वर्क में आता हो, मीन जो मैं आई वॉज अ थीफ, तो मैंने उससे कोई भी चीटिंग नहीं करी थी, अपने जैसा मैंने कोई भी काम नहीं करा था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सेम, सो मेरे पास हर एक मौका था ऐसा करने का। अनिल हैड गिवन माई की टू द डोर, उसने मुझे दरवाजे की चाबियाँ दे रखी थी। आई कुड हैव कम एंड गो एज आई प्लीज, मैं आ सकता था जा सकता था जब मैं चाहूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, अभी तक जिंदगी में इतना ट्रस्टिंग विश्वास करने वाला व्यक्ति मुझे कभी नहीं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, इसलिए उसे लूटना बहुत मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान को लूटना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वो लूटना अफोर्ड कर सकता है। इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन जिसको पता ही नहीं है कि मुझे लूटा जा रहा है उसे रॉब करना उसे लूटना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स इट डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब, क्योंकि वो कभी कभार नोटिस ही नहीं करता कि उसे लूटा गया है, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और जैसे कि मेरे लूटने का जो मैं काम करूंगा उससे सारा जो प्लेजर था वो मजा चला जाता है, यानी कि जिसको मैं लूटूंगा अगर उसे पता ही नहीं है मैंने उसे लूटा है तो क्या फ़ायदा मेरा उसे लूटने का। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब मेरा समय आ गया था मैं कुछ असली काम करूँ, असली काम मीन्स कुछ चोरी का काम करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब तो मुझे चोरी करने की आदत भी नहीं रही है, मेरी प्रैक्टिस भी छूट गई है चोरी करने की, एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं लूँगा ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, जो अनिल तो अपने सारे पैसे अपने दोस्तों पे वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और देखो वो मुझे पैसे भी नहीं देता, वो मुझे पेमेंट भी नहीं देता। अब अनिल सो रहा था, ही वॉज असलीप, फिर क्या हुआ, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी से, जो चांद रात का समय था तो जो मूनलाइट थी उसकी बालकनी में आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर गिर रही थी चांद की रोशनी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठा, कंसिडरिंग द सिचुएशन, सोच रहा था मैं क्या करूँ, कंसिडर कर रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, इफ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे चुरा लिए आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, 10:30 बजे की मैं ट्रेन पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से मैं बाहर निकला, आई क्रैप्ड अप टू द बेड, रेंगता सा उसके बेड पर पहुँचा मैं। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ी ही पीसफुली बड़ी ही शांति से सो रखा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका चेहरा भी वो क्लियर था, उस पर कोई लाइन्स नहीं थी, कोई झुरियाँ नहीं थी, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर ज़्यादा निशान बने हुए थे, माइंड पर मोस्टली स्कार्स, और जो जितने भी निशान मेरे चेहरे पर थे वो स्कार्स थे, वो घाव थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने गद्दे के नीचे अपना हाथ डाला, सर्चिंग फॉर द नोटों को ढूंढते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने बिना आवाज़ के उन्हें बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल थोड़ा सा आवाज़ करी साइड में, आह भरना अपने सोते सोते, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी साइड की तरफ टर्न कर लिया उसने टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ उसने टर्न करके सो गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मीन्स मैं हैरान रह गया, सरप्राइज रह गया, एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और
जल्दी से क्राउड मींस होता है स्लोली स्लोली रेंगते रेंगते मैं कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, अब मैं सड़क पर आ गया, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माय वेस्ट, मैंने क्या कर रखा था, जो नोट्स थे वो अपनी कमर पर बांध रखे थे, हेल्ड बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, अपनी पजामा का जो धागा था जो नाड़ा था उससे मैंने नोट्स को बांध रखा था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, मैं धीरे धीरे मैं दौड़ रहा था, मैं चलने लग गया, फिर मैं नोट्स को काउंट करा, 600 रुपीज़ थे, वो कितने रुपीज़ थे, 600 रुपीज़ इन 50s, 50-50 के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर वीक और टू, एक दो हफ्ते के लिए इन पैसों के साथ मैं जो अरब, जैसे अरब लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, उसे कंपेयर कर रहा है, उस तरह से मैं क्या कर सकता था, रह सकता था, एक या दो हफ्ते तक इन पैसों से मेरा गुजारा हो सकता था। अब मैं स्टेशन पर पहुंच गया। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, पर टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी क्योंकि टिकट ली ही नहीं थी। बट डैश, डैश का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना, रैन क्विकली स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, जल्दी जल्दी मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जस्ट वॉज जस्ट मूविंग आउट, ट्रेन जाने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी ट्रेन को स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, अगर मैं चाहता तो उसके किसी एक डब्बे में मैं जंप करके कूद कर घुस सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे हेजिटेशन हुआ, मुझे संकोच हुआ, क्या रीज़न था आई कांट एक्सप्लेन, फॉर सम रीज़न मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ से जाने का चांस गवा दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड मायसेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने देखा कि मैं डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हूँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे नहीं पता था रात कहाँ बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मुझे लगता था दोस्त मुसीबत ज़्यादा क्रिएट करते हैं हेल्प करने की बजाय, बट ट्रबल ज़्यादा लाते हैं, ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं किसी छोटे से होटल में रुककर किसी का शक नहीं जगाना चाहता था, किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब, जिस इंसान को मैं अच्छे से जानता था वो कौन सा इंसान था जिसे मैंने लूटा था, जिसे मैंने रॉब किया था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, अब मैं ट्रेन पर नहीं चढ़ा और वापस मैं बाजार से गुजर के जाने लग गया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस, मेरे छोटे से चोर के मेरे छोटे से करियर में मैंने इंसानों के चेहरों की बहुत स्टडी करी थी। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर थिंग, जब उनका चीज़ें खो जाती हैं, जब उनकी जो चीज़ चोरी हो जाती है, तो उन्होंने बहुत सारे पर्सन को एक्सप्लेन किया, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। अगर किसी ग्रीडी मैन, किसी लालची इंसान की कोई चीज़ खो जाती है तो ही शोड फियर, तो उसके चेहरे पर डर नज़र आता है। अगर किसी रिच मैन की कोई चीज़ खो जाती है तो उसके चेहरे पर एंगर नज़र आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, किसी गरीब इंसान की कोई चीज़ खो जाती है तो उसके चेहरे पर एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार कर लेता है, उसको एक्सेप्टेंस नज़र आता है। तो याद रखेंगे, ग्रीडी मैन फियर, रिच मैन एंगर, और पुअर मैन एक्सेप्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन जब अनिल को पता लगा कि मैंने चोरी करी है तो मुझे उसका चेहरा याद आ गया। ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी नजर आएगी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि उसके पैसे खो गए हैं, बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो अनिल है वो दुखी इसलिए होगा क्योंकि उसका ट्रस्ट, उसने जो विश्वास किया था मेरे पर, वो टूट जाएगा। मैं भी अनिल का विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैं एक मैदान में था और एक बेंच के ऊपर बैठ गया, एक मैदान के अंदर एक बेंच के ऊपर मैं बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी, चिली मीन्स वेरी कोल्ड। इट वॉज नवंबर, अर्ली नवंबर का महीना था, लाइट ड्रिजल, हल्की हल्की बारिश होने लगी, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और मेरी प्रॉब्लम उससे बढ़ गई, तो ठंड थी, ऊपर से बारिश होने लग गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, फिर बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट थी, जो मेरे पजामा थे, वो मेरी स्किन से चिपक गए, गीले हो गए। एंड द कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा थी उससे जो बारिश थी वो मेरे चेहरे पर आकर पड़ रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार चला गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर, एक क्लॉक टावर था, जो टावर होते हैं उसके शरण लेके उसके शेल्टर में मैं बैठ गया, उसके नीचे मैं बैठ गया। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, कितना समय आ रहा था क्लॉक में, रात आधी रात हो चुकी थी, मिडनाइट हो चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को देखा कि नोट कैसे हैं, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश से वो क्या हो गया था, डैम्प होता है, हल्के हल्के वेट हो गए थे, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, ये किसके पैसे थे, अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, सुबह अगर मैं उसके पैसे चुरा कर नहीं लाया होता तो सुबह मुझे या 2 या 3 rupees वो दे देता कि जाओ सिनेमा देखाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो मेरे पास उसके सारे ही पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील, मैं उसका खाना नहीं पका पाया। रन टू द बाजार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर, अब ना तो मैं उसका खाना पका पाऊंगा, ना ही वो मुझे होल सेंटेंसेज में वाक्य लिखना सिखा पाएगा, यानी कि ना तो मुझे लिखना पढ़ना सिखा पाएगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गया था मैं, चोरी के एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ भूल गया था। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू 100 rupees, अगर मैं लिखना सीख जाऊंगा, होल सेंटेंसेज पूरे पूरे वाक्य लिखने मुझे आ जाएंगे, यानी कि मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा, तो वन डे ब्रिंग मी मोर देन 100 rupees, तो मैं सैकड़ों रुपये कमा लूंगा एक दिन। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो बहुत आसान सी चीज़ है, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल एज टू बी कॉट, उतना ही सिंपल है जितना कि पकड़े जाना। बट टू बी रियली अ बिग मैन, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, क्लेवर इंसान बनना है, एक चालाक और एक रिस्पेक्टेड, एक
आदरणीय व्यक्ति बनना है तो वो अलग चीज़ है, इट वॉज समथिंग एल्स, आई शुड गो बैक टू अनिल। उसने डिसाइड करा कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे लिखना पढ़ना सीखना है, अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना पड़ेगा। आई हर्रीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। जब वापस उस कमरे में गया बहुत मैं नर्वस फील हो रहा था, बिकॉज क्योंकि चुराना तो आसान होता है, इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न, वापस करना बहुत मुश्किल होता है। अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड मीन्स बिना किसी की नज़र में आए, क्योंकि उसने अगर वापस रखते हुए देख लिया तो आप पकड़े जाओगे। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप से दरवाज़ा खोला, देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दरवाजे के रास्ते में मैं खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, अभी जो आसमान में बादल भी थे और मूनलाइट भी थी, अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगते रेंगते धीरे धीरे स्लोली स्लोली बेड के सिराने पहुँचा, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और अपने हाथों से नोट्स निकाले, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, बाहर नोट निकाले मैंने। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, जो अनिल की सांसें थी वो मुझे अपने हाथ पर महसूस हो रही थी। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए मैं स्टिल रहा, मीन्स बिना हिले डुले रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मैंने जो गद्दे थी उसकी एज, उसके किनारे को ढूंढा, एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और अपने हाथों से जो नोट्स थे उसके नीचे वो मैंने दोबारा से रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं बहुत लेट उठा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द ट्री। दे मैंने ये पाया उठा जब मैं, ये जो अनिल था वो ऑलरेडी चाय बना चुका था, अनिल ने ऑलरेडी टी बना दी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 rupees नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसने 50 rupees का नोट उसके पास था। माई हैड सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मुझे लगा शायद इसने इसको पता लग गया है मैंने चोरी करी है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने कहा कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलरली तुम्हारी सैलरी दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, थोड़ा सा मेरा जो मन था, स्पिरिट्स रोज मीन्स थोड़ा सा मेरा मन, जो मेरा मन डरा डर था वो खत्म हुआ। बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट अपने हाथ में लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, मुझे पता लगा कि रात की बारिश से अभी भी नोट कैसा था, गीला था, स्टिल वेट मीन्स अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम सेंटेंसेस लिखना, वाक्य लिखना सीखेंगे, अनिल ने मुझे बोला। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आई शोड एनीथिंग, वो जानता था, ही न्यू, अनिल जानता था कि मैंने चोरी करी थी, मैंने पैसे चुराए थे, लेकिन ना तो उसके होंठों से, ना तो उसकी आंखों से, ना तो वो कुछ बोला, ना तो उसकी आंखों ने कुछ शो करा कि मैंने चोरी करी थी। आई स्माइल्ड एट अनिल माय मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की तरफ देखकर मुस्कुराया जैसे कि मैं मुस्कुराता ही हूँ, एंड द स्माइल केम बाई इट्सल्फ, इस बार वो स्माइल थी वो जेन्युइन थी, वो नकली स्माइल नहीं थी, वो फॉल्स स्माइल नहीं थी, इट केम बाई इट्सल्फ, वो अपने आप से मेरे अंदर से आई विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के मैं मुस्कुराया। इस तरह से जो हमारी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित जो ये स्टोरी है, द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। कुछ ग्लॉसरी में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, फ्लैटरी का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा किसी की खुशामद करना, मक्खन लगाना जिसे हम बोलते हैं, इनसिंसियर प्रेज करना, जबरदस्ती किसी की तारीफ करना, मॉडस्टली होता है बड़े ही विनम्रता से, हम्बल में बिना घमंड के, ग्रंटिंग होता है छोटी छोटी, जैसे वो रेसलर्स मुँह से आवाज़ निकाल रहे थे, वहाँ पर ग्रंटिंग साउंड वर्ड आया है। अपीलिंग का मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव लगा देखने में, और अनलाइन का मतलब होता है जहाँ पे अनिल के चेहरे पर कोई भी, वहाँ पे लिखा कोई लाइन नहीं थी, इसका मतलब उसके चेहरे पर कोई भी वरी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई झुरिया नहीं थी, कोई एनग्जाइटी नहीं थी। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के। इस तरह से हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी डिस्कस करे और चैप्टर की स्टोरी को भी अच्छे से समझ लिया। स्टोरी का मेन थीम यही है कि हमें किसी व्यक्ति का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, वी शुड नॉट ब्रेक ट्रस्ट ऑफ एनी पर्सन। तो इसी तरह से जो थीफ था, थीफ का नाम क्या था, हरि सिंह, और जो राइटर था उसका नाम था अनिल। उस थीफ ने अनिल का ट्रस्ट नहीं तोड़ा, और जो अनिल ने उस हरि सिंह पर ट्रस्ट किया था, उसकी वजह से जो हरि सिंह था वो एक गुड पर्सन बनना उसने चाहा। तो इस तरह से जो अनिल के ट्रस्ट के कारण हरि सिंह में कुछ रिफॉर्म भी आया, कुछ चेंजेस भी आए। इस तरह से हमारी स्टोरी, थीफ स्टोरी यहाँ पर आकर कंप्लीट, जो थीफ स्टोरी है यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है।